अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होना औपचारिकता मात्र रह गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वो 28 सितंबर को गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। अब एक सवाल उठ सकता है कि कांग्रेस में आकर कन्हैया बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे, वो किसी दूसरी पार्टी की चिंताएं कैसे बढ़ा सकते हैं। दरअसल कन्हैया की प्रतिभा से बीजेपी, राजद, जदयू, कांग्रेस और ओवैसी सभी वाकिफ हैं। यही वजह है कि 2019 के आम चुनाव में जब कन्हैया ने बेगूसराय से चुनाव लड़ने का मन बनाया तो भाजपा ने उनके खिलाफ किसी छोटे मोटे चेहरे को मैदान में नहीं उतारा, बल्कि अपने घूमिहार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनकी सीट बदल कर वहां से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। क्योंकि बेगूसराय में भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए बीजेपी को डर था कि भूमिहार समाज से होने के कारण कन्हैया भाजपा के कोर वोटर्स भूमिहार का वोट न उड़ा ले जाएं। उधर राजद भी किसी कीमत पर कन्हैया को हराना चाहती थी, इसलिए उसने तनवीर हसन के रूप में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर कन्हैया की हार को चुनाव से पहले ही सुनिश्चित कर दिया। अब पूछा जा सकता है कि राजद को भला कन्हैया से क्या खतरा हो सकता है। हो सकता है कि तनवीर हसन को राजद ने मुस्लिम यादव समीकरण साधने के लिए टिकट दिया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम राजद की राजनीतिक रथ के बहुत ही महत्वपूर्ण पहिया हैं। लेकिन 2014 में मोदी युग के आगमन के बाद की बदली हुई सेकुलर राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवारों को 20-25% मुस्लिम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों से भी सेकुलर पार्टियों का टिकट पाना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पर सिवान, जहां से राजद ने लोकसभा के लिए हमेशा मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद भी मुसलमान राजद को वोट देते रहे, तो जाहिर है कि बेगूसराय से तनवीर हसन को टिकट मिलना संदेह को मजबूत करता है। पिछले कुछ वर्षों में कन्हैया ने एक भाजपा विरोधी नौजवान नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। शायद इसी वजह से लालू नहीं चाहते थे कि एक और भाजपा विरोधी नौजवान नेता बिहार में उभरे और उसका मुकाबला तेजस्वी से किया जाए। इसके अलावा कन्हैया अच्छे डिबेटर हैं और बेहतरीन वक्ता हैं। इस मामले में तेजस्वी कन्हैया का मुकाबला नहीं कर सकते। तेजस्वी को जो जन समर्थन मिला हुआ है वो उनके पिता की विरासत में मिला हुआ है। कन्हैया ने अपनी प्रतिभा से अपने लिए प्रशंसक बनाए हैं। कांग्रेस बिहार में राजद की वैसाखी पर चल रही है। अब जबकि कन्हैया पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो तेजस्वी का उनके प्रति क्या रवैया होगा, इसका अंदाज़ा लोकसभा चुनाव में खुद उनके अपने क्षेत्र में और मधेपुरा से कांग्रेस उम्मीदवार और पप्पू यादव की पत्नी के चुनाव प्रचार के दौरान दिख चुका है। अब रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी की पार्टी जहां भी चुनाव में उतरी है इसी नारे के साथ उतरी है कि तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें सिर्फ ठगा है। कहने को तो वह हर जगह दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी नज़र हमेशा मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों पर रहती है। भाजपा की राजनीति और नीतियों का मुखर विरोधी होने की वजह से कन्हैया मुसलमानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसका नज़ारा 2020 के शुरुआत में नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित उनके जन गण मन यात्रा के दौरान दिख चुका है। मुसलमानों का अब कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते आए हैं। वैसे ये जानते हैं कि कन्हैया दूसरे मुस्लिम नौजवान कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर बिहार में उनके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, लिहाजा उनकी नज़र भी कन्हैया पर रहेगी। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का एक वर्ग, खास तौर पर बुजुर्ग नेताओं का वर्ग, मानता है कि कन्हैया के पार्टी में शामिल करने से पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने उनकी देशद्रोही छवि बना रखी है। लेकिन बिहार में कांग्रेस के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी नेतृत्व को यदि लगता है कि कन्हैया प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उसके खोए हुए जनाधार भूमिहार, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के कुछ हिस्से को भी पार्टी में लाने में सफल हो गए तो उनकी बड़ी सफलता होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।